हाय एंड वेलकम टू माय चैनल द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं अपने गार्डन के जिस प्लांट से आपको मिलवाने जा रही हूँ वो एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर और आउटडोर प्लांट है। इस प्लांट का नाम है सेंसिवेरिया। सेंसिवेरिया को हम स्नेक प्लांट के नाम से भी जानते हैं और हम इसे मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं। एक प्लांट अपनी खूबियों के कारण इतना मशहूर है कि अगर आप इस प्लांट की खूबियों के बारे में जान जाएंगे तो इसको आप ज़रूर अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहेंगे। सेंसिवेरिया की 70 से ज़्यादा वेराइटीज़ जो है नेचर में अवेलेबल हैं और मेरे पास सिर्फ 5 वेराइटीज़ हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी वेराइटी मेरे पास हैं। ये सबसे कॉमन वाला सेंसिवेरिया है। ये वाला सेंसिवेरिया को हम बर्ड नेस्ट के नाम से जानते हैं और ये जो सेंसिवेरिया है ये सेंसिवेरिया वेरिगेटेड, हम सिंपली कॉमन लैंग्वेज में इसको कह देते हैं। इसकी जो लीव्स होती है इसकी साइड दोनों साइड में येलो कलर की मार्जिन होती है। ये भी बर्ड नेस्ट सेंसिवेरिया के नाम से जाना जाता है और ये जो सेंसिवेरिया है इसमें इसको सेंसिवेरिया सिलेंड्रिका भी कहते हैं। एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होने के कारण हम अपने घर के किसी भी कॉर्नर में इसको रख सकते हैं, जैसे किचन के सेल्फ में हम इसको रख सकते हैं या फिर कंप्यूटर टेबल के ऊपर रख सकते हैं। इवन हम अपने बाथरूम में और बेडरूम तक में इसको रख सकते हैं क्योंकि ये हमारे घर की जो टॉक्सिन एयर है उसको एब्जॉर्ब करके प्यूरीफाई करता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे घर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो टॉक्सिक कैसे हो सकती है। बहुत सारी रिसर्च में ये सामने आया है कि सभी मायनों में तो नहीं लेकिन कुछ हद तक जब हम अपने घर में नया कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, नए घर में जाते हैं या घर में नया पेंट कराते हैं या वुडन फर्नीचर को पॉलिश कराते हैं या ड्राई क्लीन वाले कपड़े लेकर आते हैं या परमानेंट प्रेस कर्टन्स लेकर आते हैं तो हमारे घर में बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, ज़ाइलीन इस तरह के केमिकल्स के कारण हमारे एयर जो होती है इनसाइड द रूम्स जो है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। तो उसको प्योरीफाई करने के लिए टॉप 10 जो एयर प्योरीफाइंग प्लांट है उनमें से ये स्नेक प्लांट भी माना गया है, इसीलिए इसको अंदर घरों के लगाना रिकमेंड किया जाता है। इसकी एक और सबसे बड़ी खूबी ये है कि रात में भी ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन हमें देता है और स्मोकिंग अगर हमारे घर में कोई कर रहा है तो उसके इफ़ेक्ट को भी काफ़ी हद तक ये कम करता है। अब बात करते हैं इसके प्रोपेगेशन की। वैसे तो टाइम टू टाइम अगर हमने ये प्लांट लगा रखा है तो इसमें नए पॉप्स निकलते रहते हैं। उनका कलर जो है थोड़ा लाइट कलर का होता है। अगर हमें लीफ से इसे प्रोपोगेट करना हो तो कोई पुरानी सी लीफ लेकर के इसको कट करके पानी में सोक कर सकते हैं और लगभग 65-70 डेज में इसके नीचे से पोर्शन से रूट्स निकल जाती हैं। एक और बात मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है कि जैसे इस लीफ में वेरिगेशन है, अगर हम इसको वाटर से प्रोपोगेट करते हैं या लीफ के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं तो इसका जो वेरिगेशन है वो हट जाता है और वो सिंपल जो प्लांट है विदाउट वेरिगेशन वाला वो इसमें इसकी ग्रोथ दिखाई देती है। ये देखिए अभी कुछ 3-4 महीने पहले ही मैंने इसकी जो लीफ है इसको मिट्टी में गड़ा दिया था और ये जो नया प्लांट आया है इसकी जो लीफ है इसमें साइड में कोई भी वेरिगेशन नहीं है। तो लगभग 3 महीने का ये रिजल्ट है। इसमें अच्छे से प्रॉपर देखिए रूट का डेवलपमेंट भी हो गया है और बेबी पॉप नया प्लांट भी इसमें ग्रोथ हो गई है। और लेकिन उस जैसे इसमें लीफ में मार्जिन में वेरिगेशन है, ये जो प्लांट है इसमें वेरिगेशन नहीं है। तो इस तरह से इसका वेरिगेशन पता नहीं क्यों किस वजह से जो है वो हट जाता है। इसमें भी देखिए पीछे की साइड से बेबी ग्रोथ, न्यू ग्रोथ जो है वो डेवलप हो रही है। अब इसका रीज़न तो मुझे नहीं मालूम लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने काफ़ी टाइम ये करके देखा है तो उसमें देखा है कि ये वेरिगेशन जो है वो न्यू लीफ जो ग्रो करती है उससे हट जाता है। इसमें भी मैंने एक लीफ इसी तरह से इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए इसमें मैंने इसको लगा दिया था। ये देखिए लीफ से मैंने लगा रखा है तो ये वाला प्लांट जो है इसमें भी जो है वेरिगेशन नहीं है। अब ये रीज़न क्या है अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो इसको हम लीफ के थ्रू भी, वाटर में भी और एज वेल एज सॉइल में भी दो तरीके से प्रोपोगेट करके अपने लिए काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये बात हुई इसके प्रोपोगेशन की। इसके बाद इसकी वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग इसको बहुत कम चाहिए होती है। वंस इन ए वीक अगर आप इसमें वाटर करें तो आसानी से ही आपका प्लांट चल जाता है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी रूट्स गल जाती हैं और तब ये प्लांट खराब होता है। अदरवाइज लेस वाटरिंग में ये आसानी से टॉलरेट कर जाता है। लाइट इसको आप ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं और इवन अंधेरे में हल्की लाइट हो या आपकी ट्यूब लाइट है उसमें भी ये अंदर इंडोर आसानी से चल जाता है। लेकिन ये है कि कभी कभी 15-20 दिन में आपको शाम के समय में इसको बाहर निकाल देना है और पूरे दिन भर शेडी एरिया में ब्राइट लाइट में इसको रखना है। उसके बाद फिर आप 2-3 दिन बाद फिर इसको वापस इंडोर रख करके इसको आसानी से अपने घर की एयर को प्यूरीफाई कर सकते हैं।
इसकी सॉइल की बात करें तो सॉइल अगर आप इसे मिट्टी में लगा रहे हैं तो किसी तरह की सॉइल, सिंपल गार्डन सॉइल में भी आसानी से चल जाता है, लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हैं, क्योंकि इंडोर अगर आप लगाएंगे तो आप ऑब्वियस है कि आप पॉट में ही लगाएंगे, तो वो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। फर्टिलाइज़र की बात करें तो साल में दो बार भी देंगे, एक बार भी देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये डिमांडिंग प्लांट नहीं है, हार्डी प्लांट है और एक्सट्रीम कंडीशन को भी झेल जाता है। अब ये सिलिंड्रिका जो स्नेक प्लांट है उसका प्रोपेगेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका जो मैच्योर सा प्लांट है इसको आप कट करके स्टिक में, या तो आप इसको पानी में प्रोपेगेट कर सकते हैं या फिर आप सॉइल में प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने पहले एक मैं इसको पानी में प्रोपेगेट कर रही हूँ और बाकी के दो को मैं जो है सॉइल में प्रोपेगेट करूँगी, और लगभग 70 डेज बाद जब इसमें से नई ग्रोथ आ जाती है तो उसको भी मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में इसका रिजल्ट ज़रूर मैं आपको दिखाऊँगी। इन्हीं सिलिंड्रिकल जो इसमें मैंने जो है वो लगा दिया है एलोवेरा जेल, ताकि इसमें फंगस का अटैक ना हो और एक तरह से नेचुरल रूटिंग हार्मोन का ये काम करे। इन्हीं सिलिंड्रिकल जो स्नेक प्लांट होते हैं इनको लोग तरह तरह के अरेंजमेंट बना करके भी यूज़ करते हैं। जो स्नेक प्लांट है ये एयरबॉर्न एलर्जीज को भी काफ़ी हद तक दूर करने में सहायक होते हैं। तो ये थी स्नेक प्लांट के बारे में हल्की फुल्की जानकारी। आशा है आप भी इस प्लांट को अपने घर में लगाना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।